अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। यूपी का बांदा जेल, वही जेल जिसमें मुख्तार अंसारी को हाई सिक्योरिटी में रखा गया है, जिस जेल को लेकर तमाम दावे किए गए थे कि इस जेल में परिंदा पर नहीं मार सकता है, उसी जेल में एक ऐसी घटना हो गई जिसे लेकर यूपी जेल प्रशासन का जमकर मजाक उड़ रहा है। दरअसल हुआ ये कि चोरी के आरोप में बांदा जेल में बंद विजय नाम का एक कैदी रविवार को अपने सेल से गायब हो गया। इस बात की जानकारी जैसे ही जेल प्रशासन को हुई, उनके हाथ पांव फूल गए। पुलिस ने तुरंत इस बात की जानकारी आला अधिकारियों को दी और आनन फानन में आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई। शौचालय से लेकर सेल तक पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू कर दी, लेकिन कैदी कहीं नहीं मिला। पुलिस ने यह बयान जारी कर दिया कि एक कैदी चकमा देकर जेल से भाग गया। जेल प्रशासन ने मामले को लेकर FIR तक दर्ज करवा दी और उसकी तलाश जारी रखी। एक टीम उसके घर भी भेजी गई, लेकिन आरोपी विजय कहीं नहीं मिला। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर लोग पुलिस पर हंस रहे हैं। दरअसल आरोपी कैदी जेल के अंदर ही एक झाड़ी के पीछे छुपा हुआ था। अब पुलिस को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन के दौरान कैदी उन्हें क्यों नहीं मिला। शुरुआती पूछताछ में विजय ने बताया कि उसे जेल में एक बांस दिख गया था जिसके जरिए उसने भागने का प्लान बनाया था। रविवार रात बांस के जरिए उसने जेल की कोर सिक्योरिटी वॉल फांद ली थी, लेकिन मेन वॉल लांघने के दौरान वो गिर गया जिससे उसके कमर में चोट लग गई। चोटिल विजय को लगा कि रात के वक्त अलार्म बजने के बाद वो पकड़ा गया तो उसकी बहुत पिटाई होगी। ये सोचकर वो चुपचाप झाड़ियों में छिपा रहा। हालांकि जेल के DIG साहब का कहना था कि हम उसे सबूतों के आधार पर ढूंढ रहे थे और इसमें पुलिस की कोई लापरवाही नहीं है। वहाँ से निकल के 10-11 की बैरक से गल्ला गोदाम गया, गल्ला गोदाम से उसमें बांस लेके, बांस से वो मेन वाल के उस पार, मतलब सर्किल वाल के उस पार कूदा, उसके कमर में आ गई चोट जिसकी वजह से उसकी हिम्मत नहीं पड़ी, वो आगे नहीं जा पाया और वहीं झाड़ियों में छुपा हुआ था। हम लोग ढूंढ ही रहे थे लगातार 3-4 बार के प्रयास में वो मिल गया। उसका मेडिकल वेडिकल करा लिया, उसका बयान दर्ज करा। कितने घंटे लग गए इनको ढूंढने में? अब कल रात 7 बजे से नहीं मिला था, आज 5 बजे शाम को मिला। सर, इस बात की आशंका यहाँ पर जेल प्रशासन के अधिकारियों ने सुबह क्यों नहीं जताई कि ये अंदर भी हो सकता है? नहीं, विश्वास तो उनको भी था, लेकिन खोदते खोदते थक गए थे, मिल रहा था। मैं हम लोगों ने ट्रेस किया फिर धीरे धीरे कि कहाँ से कैसे जा सकता है, कहाँ पे इसको जो है इसका बांस असल में गल्ला गोदाम में मिला हमको, तब उसके आधार पर ये कि निशान ढूंढे गए, निशान के आधार पर गल्ला गोदाम के उस पार निशान ढूंढा गया, वहीं पर फिर ढुड़ाई शुरू हुई तो मिल गया। अब मुख्तार अंसारी की सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? मुख्तार अंसारी की सुरक्षा बिल्कुल पर्याप्त है, बहुत बढ़िया। क्या आगे किसी और जेल में शिफ्ट किया जा सकता है मुख्तार अंसारी को? इसके बारे में मैं कुछ नहीं। सर, कितनी पुलिस लगी थी ढूंढने में? सर, शाम ही लगा था, सारे लोग मेहनत कर रहे थे। सर, क्या इसमें भी लापरवाही मानी जेल प्रशासन की? कितने घंटे तक उसको जेल के अंदर रात देख नहीं पाए? नहीं, वो भाई झाड़ियों में छुपा हुआ था, वो उस जगह से कई बार ये लोग गुजरे लेकिन नहीं पकड़ में आया। बांदा से अजय सिंह चौहान की रिपोर्ट, यूपी तक।